13th लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। इफ यू वांट टू ऐड अ ब्यूटी टू योर सिंगिंग, बहुत सी चीजें हम सुनते हैं सिंगिंग में, परंतु हम पढ़ते भी हैं परंतु उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। आज मैं आपके समक्ष सारी चीजें जो थ्योरी में होती हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है ये, अगर आपको अपनी सिंगिंग में इनोवेशन, एक खूबसूरती अगर ऐड करनी है तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 13, द ऑर्नामेंट्स ऑफ म्यूजिक, आपको दिख ही रहा होगा। ओके, ये लेक्चर हर एक सिंगर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोफेशनली गाता हो, चाहे वो शौकिया गाता हो, चाहे वो बाथरूम सिंगर हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो ज्यादातर बताई नहीं जाती। हम सीधा राग सीख लेते हैं, गाना सीख लेते हैं, मतलब, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं, जो उसकी खूबसूरती है, जो एलिमेंट्स है जिससे वो गाना बन रहा है, जिसको कहते हैं हम संगीत का आभूषण, अर्थात द ऑर्नामेंट्स ऑफ म्यूजिक, हाउ यू कैन ब्यूटीफाई अ म्यूजिक। तो उसके कुछ तत्व हैं हमारे म्यूजिक में, कुछ टर्म्स हैं हमारे म्यूजिक में जिसके नाम से वो जाने जाते हैं, तो वो हम आज जानने जा रहे हैं। इससे जो पहला वाला लेक्चर था वो बेसिकली कॉर्ड्स का था, उसमें हमने सीखा था कि मेजर और माइनर क्या होता है, एक गाने को पहचाने कैसे कि साहब ये मेजर है या माइनर है, तभी तो हम रियाज करेंगे। तो आज का टॉपिक उससे बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि ये भी एक रियाज का ही चीज है ये, क्योंकि मैं आगे आज जो चीज डिस्कस करूंगा आगे उसकी मैं उसके अलंकार और उसके रियाज करने की टेक्निक्स आपसे मैं शेयर करूंगा। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर, आप सबको समझ आ रहा होगा। ऑर्नामेंट्स ऑफ म्यूजिक, देखिए साहब, जिस प्रकार एक सुंदर सी एक लड़की है, मान लीजिए अगर उसको हम आभूषण नहीं पहनाएं तो वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी, उसी प्रकार राग, एक राग क्या, एक आप लड़की मान लीजिए, अगर लड़की को हम जेवर नहीं पहनाएंगे, ज्वेलरी नहीं पहनाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही म्यूजिक में भी एक राग रूपी लड़की को अगर आभूषण ना पहनाए, अर्थात वो उसके सुंदर जो तत्व हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे एस्थेटिक्स के, उसको फॉलो करते हुए कुछ तत्व दे रखे हैं, अगर उससे हम अलंकृत नहीं करेंगे तो वो चीज इतनी सुंदर नहीं लगेगी। ठीक है, तो राग रूपी लड़की को सुंदर कैसे बनाया जाए, तो वो है हमारे संगीत के आभूषण। कितने हैं? 5 देखेंगे हम आज, जिसमें से जिनका नाम क्या है, मींड, कर्ण, गमक, हटका और मुर्की। तो आई होप आई एम क्लियर, एक एक को बहुत सिस्टमेटिकली हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम आ जाते हैं किस पे, मींड पे, ध्यान से सुनेंगे। मींड को वेस्टर्न में बेसिकली कहा जाता है स्लर, ध्यान से देखिएगा। अब एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाने में एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना, देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे एकेडमी पे, और वैसे भी पढ़ के भी बता रहा हूँ और फिर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके बताऊंगा। एक स्वर से आगे या पीछे के दो या तीन या अधिक स्वर को बिना खंडित, विदाउट ब्रेकिंग, बिना खंडित पे मैंने अंडरलाइन किया, बिना खंडित किए हुए गाने या बजाने को हम क्या कह देते हैं, मींड। अब आपको मैं प्रैक्टिकली गा के बताता हूँ। मींड का भातखंडे जी ने इसका सिग्नेचर दे रखा है, छतरी होती है ना जैसे, तो मीड को ऐसे डिनोट करते हैं, तो गोइंग फ्रॉम वन नोट टू अदर नोट विदाउट ब्रेकिंग द इंटरमीडिएट नोट, दैट इज मीड, दैट इज टू बी नोन एज स्लर इन वेस्टर्न म्यूजिक। अब अगर मैंने ये स्वर गए राग केदार के, सामा ये मेरा आभूषण है संगीत का, ऑर्नामेंट है, इससे ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, परंतु ये हटाऊं तो कैसा लगेगा और ये डालूं तो कैसा लगेगा, उससे आपको इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। देखिएगा, सा मा मा पा पा मा सा, मैंने मींड हटा दी, अब मींड डाल रहा हूं इसमें जिससे केदार जिंदा हो जाएगी, राग केदार, सा मा मा पा पा मा रे
सा। तो ये चीजें बहुत सारी रागों में आपको बताऊंगा। अभी अगर आप करेंगे अपन बिहाग ने सा गा मा गा पा मा गा मा गा सा गा सा। अब मीन अगर मैं हटा दूं तो ब्यूटिफिकेशन ही खत्म हो जाता है। कैसे? देखो बिहाग का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। देखो आप ने सा गा मा गा रे सा। अब मैं ग सा जब गा रहा था, ग से सा तक मैं जो मीट ले रहा था, जो स्लर ले रहा था मैं, उसमें रे भी आ रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा ग ग रे सा ग रे सा। अब गा कह रहा हूं ग सा, मीट हटा दो तो ग रे सा। आपको समझ आ रहा है मीट की इंपॉर्टेंस? और यही चीज सितार वाले भी ध्यान रखते हैं, ये चीज सारंगी वाले भी ध्यान रखते हैं, ये गायन में भी है और वादन में भी है। ओके, जितने भी आजकल के अच्छे जो नीलाद्री कुमार जी का बहुत नाम चल रहा है सितार में, आप देखिए कितना शानदार मीट का प्रयोग करते हैं वो। अभी बिड़ला ऑडिटोरियम में आए थे, उन्होंने राग भैरवी बजाई थी, बड़ा ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन और मीट का क्या शानदार प्रयोग किया था। ये चीज हटा दें तो संगीत में निरसता आ जाएगी। That is my most important lecture है। अभी के अभी share कर दीजिएगा please, if you want के और भी सीखें, क्योंकि ये चीजों पे focus नहीं किया जाता। अब मैं सीधा आपको राग सिखा दूंगा बिहाग। अब आपको पता ही नहीं है ग से सा नी से नी पा धा मा पा गा मा गा, ये हो क्या रहा है? आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो संगीत में, तभी आप एक सफलता मुहूर्त एक आप म्यूजिशियन बन पाओगे। क्लियर है? एक और राग का एग्जांपल देखिए, राग तिलक का मत देखिए आप। अब उसमें सा से पंचम पे मैं आता हूं, उसमें भी मींड का प्रयोग है बहुत शानदार। सा प सा प ग म ग सा प, अगर मींड हटाऊं तो सा प ध म ग सा प सा सा। समझ आ रहा है? लेयर बनाता हुआ पंचम पे आ रहा हूं। सा पा दा मा गा सा रे पा मा गा नि सा, तो ग ग सा सा मा मा पा पा और मा। अच्छा फिर इसको लिखूंगा कैसे, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। देखो सा मा, इसका मतलब सा से मा पे मीड है। सा से प पे मीड है। एक एग्जांपल के तौर पर नोटेशन सिस्टम है ना, स्वरलिपि पद्धति हमारे किनकी चलती है, विष्णु नारायण भातखंडे जी की। तो उन्होंने मीड को दर्शाने के लिए क्या दिया है, एक छतरी सी दी है। क्लियर हो रहा है? और फिर जैसे ग सा ग सा, अब देखो इसी का आप म्यूजिक में आप प्रयोग देखो, हमारे बॉलीवुड म्यूजिक में आपको मैं दिखाता हूँ, एक दो गाने गा के बताता हूँ, उसमें भी मीट का प्रयोग देखिए आप, देखना बहुत ध्यान से। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, एक मूवी थी उसमें दो गाने थे, उसमें देखिए अरिजीत सिंह ने कितना बढ़िया मीट का प्रयोग किया। जनम 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 जनम, अब जनम जनम ऐसा थोड़ा लिया है, जनम 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 साथ चलना यही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। एक तो ये एग्जांपल, दूसरा धूप से निकल के छांव से पिघल के, अब सुना हम मिले ये मीट है, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया, जन्म 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 साथ चल। समझ आ रहा है आपको? तो आप गाना ले लीजिए, चाहे राग ले लीजिए, चाहे गजल ले लीजिए, मीट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको मैं एक अलाप में मीट की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। एक राग ले लेते हैं अपन, राग दरबारी जैसे, सुनिएगा
स्वर को बिना खंडित किए हुए गाने या बजाने को मीट कहते हैं। सा मा, अब सा मा, अगर मैं सा मा गाऊं, मान लो मीट का एलिमेंट हटाऊं तो सा को खत्म करो फिर मा गा रहा हूं मैं, तो यहां पे खंडन हो गया, यह मीट नहीं कहलाएगी सा मा। लेकिन सा मा पा पा सा। अब आप बोलोगे सर आप तो ने बता दिया मीट, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, वो बताऊंगा अगले लेक्चर में। अभी समझिए चीज को बस, अगले लेक्चर में आपको इसका अलंकार दूंगा मैं, मीट का अलंकार दूंगा, गमक का अलंकार दूंगा, कर्ण स्वर कैसे हम निकालें गले से। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली मेरी गारंटी है आपको 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके बिना खंडित हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाना एक संगीत का आभूषण मीट। ओके ओके, अब मैं दूसरे में आ जाता हूं। दूसरा मैंने क्या बताया, कर्ण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्ण स्वर को क्या कहता हूं मैं वेस्टर्न में, ग्रीस नोट। सुनिएगा, अब एक आपको मैं एग्जांपल गा के बताता हूं, उससे आपको समझ आएगा कर्ण स्वर की डेफिनेशन क्या लिखी है, पहले वो पढ़ता हूं, सुनिएगा। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के किसी स्वर को, देखिएगा, किसी स्वर को कुछ छूने या उसको स्पर्श करने को कर्ण स्वर कहते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, अभी गा के बताता हूं क्या लिखा है। पहली बात तो उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे पीछे के किसी स्वर को छूने या उसको स्पर्श करने को मैं कर्ण स्वर कहता हूं। इसको इंग्लिश में मैंने क्या लिखा है, ग्रीस नोट। ओके सुनिएगा, हम एक राग लेते हैं राग यमन, अब उसकी आलाप लेता हूं मैं और फिर आपको मैं उस आलाप के थ्रू बताऊंगा कर्ण स्वर। आपने नोट किया होगा रे अगर लगाया मैंने, रे वो मैंने इंडिपेंडेंटली नहीं लगाया, एक स्वर को मैं छुआ और फिर रे पे आया, क्या हुआ ये कर्ण स्वर है। देखिएगा, नी रे गा रे परे, उस स्वर को टच करके आ गया मैं, स्पर्श करके आ गया मैं, उसको कहता हूँ कर्ण स्वर। कर्ण स्वर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने इंडियन म्यूजिक में, आपको आगे मैं अभी जब पांचों जब डिस्कस कर लूंगा आपको मैं ऐसे आलाप करके बताऊंगा या ऐसे गानों के एग्जांपल दूंगा जिसमें सारे तत्व आ रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कर्ण स्वर होता क्या प्रैक्टिकली। नी रे गा रे द नी रे गा रे सा। अब यमन का सिद्धांत क्या कहता है कि ऋषभ पे पंचम का कर्ण लगना चाहिए तभी राग खिलता है, राग खड़ा होता है। ऐसे एक राग करेंगे हम राग मारू बिहार, माग माग रे। अब रे रे पे सा का कर्ण लगा दिया मैंने, देखिए कर्ण चेंज करने से भी राग चेंज हो जाता है। अब मारू बिहार भी कल्याण से बन रहा है और यमन भी अपना कल्याण से ही बनता है, माग माग
सा। ये बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं जिसको हम नोट नहीं करते। नोट नहीं करते तो दिमाग में नहीं होगी, दिमाग में नहीं होगी तो गले से कहां से आएगी भाई। इससे समझ के गाना। मेरा जो लाइव आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका एमक्यू डेवलप करना, म्यूजिकल क्वोशंट, सो दैट आपका एक फ्रेमवर्क बने, दिमाग में एक ढांचा बने कि हाँ ये चीज सर ने बताई है, अब इसको मेरे को थोड़ा स्टडी आउट करना है, कोडिफाई करना है इन चीजों को, स्टडी करके फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आप तो बनेगी नॉलेज, नॉलेज आपके संस्कार में आ जाएगी, वो बन जाएगी आपकी विजडम। समझ आया? तभी कहते हैं नॉलेज इज विजडम। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, मारो भी हाक, मागा मागरे सा, एक राग करेंगे राग मधुमंती, सागा सागा मा पा पमागा मा पा मागरे। अब ये क्या किया मैंने, मागरे, ये नहीं क्या मैंने, मागरे सारे सारे सा, ऋषभ पे षड्ज का कर्ण लगा दिया मैंने, पमागा मा पा मागरे सा, निसा पा निसा गामा पा मागरे सा। ये हमारा कंठ स्वर है। वेस्टर्न में इसको क्या कहते हैं, ग्रीस नोट, अर्थात एक आगे वाले या पीछे वाले स्वर का टच ले लेना। निरगारे परे मागरे सारे रे पे सा का कण लगा दिया, तो अर्थात एक स्वर को जब मैं इंडिपेंडेंटली ना लगाऊं, किसी के सहारे लगा दूं, वो मेरा कंठ स्वर हो जाता है। अब इससे राग भी सब अलग हो जाता है। दो राग आपको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मियां की तोड़ी और मुल्तानी, दोनों के गंधार में फर्क है। मुल्तानी का जो ग लगता है, देखो आप सा ग मा, अब सा ग मा ग, ग को इंडिपेंडेंटली नहीं लगाया, इंडिपेंडेंटली लगाऊं तो क्या होगा, वो सा ग, मैं क्या लगा रहा हूं, सा ग मा ग, तो ग पे म का कण है। अब इसको लिखूंगा कैसे, ग लिखूंगा पहले और ऊपर म लिखूंगा। ये देखो साहब, ये मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, प लिखा ऊपर तो रे पे ऊपर प का कण, निरगारे अरे, तो जो कण स्वर है वो ऊपर आ जाएगा और जिसके ऊपर आ रहा है कण स्वर वो नीचे आ जाएगा। ये भी नोटेशन सिस्टम है बात करने जी का। तो नीचे तो वो स्वर आएगा जिस पर दूसरे स्वर का कण लिया, और ऊपर कौन सा आएगा, जिसका कण लिया, ठीक है, जिस पर कण लिया वो नीचे आएगा और जिसका लिया कण वो ऊपर आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा था मुल्तानी और तोड़ी, सा का मा पा मागर सा। अब देखो आप ग, एक तो ये मुल्तानी का, अब तोड़ी का सुनिए ध्यान से, सारे ग रे के सहारे लगा रहा हूं मैं, यहां से ही राग चेंज हो रहा है मेरा, सारे ग रे ग सारे ग रे सा, जबकि मुल्तानी का ग क्या लग रहा है, सा। ये कंठ सुर के आधार पे राग चेंज हो रहा है। देखो आप, दोनों के ग चेंज हो रहे, ग चेंज हो रहे तो नेचर चेंज हो रही है, नेचर चेंज हो रहा था राग ही चेंज, राग चेंज तो माहौल चेंज पूरा। सा ग मा पा और एक सा ग मा पा, मधुमंती भी मुल्तानी अंग से बनता है, सा ग मा पा मा पा मा सा। तो ये कंठ सुर, आई होप आई एम क्लियर। आगे मैं आलाप लेके भी बताऊंगा, उससे और क्लियर होगा। क्लियर हो रहा, आप सुनिए, गमक, गमक क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आंदोलन के द्वारा जब स्वरों में कंपन पैदा होता है तो उसको गंभीरतापूर्ण उच्चारण को हम क्या कह देते हैं, गमक। सुनिएगा आप,
आपको एक अलंकार गा के बताता हूँ, उसके थ्रू गमक आपको मैं करके बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गंभीरता पूर्ण स्वरों का उच्चारण, कंपन होनी चाहिए स्वरों में, कंपन और उसका गंभीरता जो आती है उसमें, वो गमक को उत्पन्न करती है। देखिएगा, सा 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 रे सा सा रे 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 गा रे रे गा 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 मा गा गा, ये मेरा एक अलंकार है बेसिक। सा 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 रे सा सा रे 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 गा रे रे गा 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 मा गा गा मा 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 पा मा मा पा 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 धा पा पा दा 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 नी दा दा नी 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 सा नी नी सा 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 रे सा 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 रे सा सा नी 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 सा नी नी दा 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 नी दा दा पा 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 दा पा 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 दा पा पा मा 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 पा मा मा गा 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 मा गा गा रे 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 गा रे रे सा 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 रे सा सा। अब इसको मैं आकार में गाऊं आ में तो मेरी गमक बन जाएगी। देखो अब देखो गंभीरता भी आ रही है और आंदोलन भी आ रहा है। आंदोलन मीन्स विब्राटो, वाइब्रेशन। टास्क भी चालू हो जाएगा, आपको रियाज भी देने लग जाऊंगा मैं, तो इसमें यही गमक का रियाज दूंगा, मेंड का रियाज दूंगा, कर्ण सुर का रियाज दूंगा। अब इसको तीन ताल के साथ करके बताता हूं, देखिएगा क्या माहौल बनता है। ताल तीन ताल मध्य लय, अपने म्यूजिक में एक तो गले में भराव आता है, दूसरा गले में स्टेमिना बढ़ता है इसमें। आज भी मैं 4 घंटे लगातार शोज में गा पाता हूं, उसका मेरा जो मेन जो सीक्रेट है वो गमक का रियाज, अलंकारों का रियाज, क्योंकि अलंकार में साला सारे सासा आ गमक भी मेरी बन रही है, अलंकार के स्वर का रियाज हो रहा है, ताल का रियाज हो रहा है, और तीसरा मेरा गमक का रियाज हो रहा है। गमक के रियाज से एक बहुत अच्छा व्यायाम भी हो जाता है म्यूजिक। आपको पता है ये जो रियाज है अलंकारों का और गमक, स्पेशली गमक के अलंकारों का, ये बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। अगर पतंजलि जी का आपने शास्त्र पढ़ा है तो उसमें म्यूजिक का महत्व भी बता रखा है, उसमें गमक का जो रियाज बहुत एक शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद बताया गया है पतंजलि में स्पेशली। तो ये अपन रियाज डिस्कस करेंगे। तो गमक आई आपको समझ क्या होती है गमक, तो गमक बेसिकली स्वरों का गंभीरतापूर्ण उच्चारण, स्वरों में कंपन लाना, एक सौंदर्य का एक ये भी विषय है। अब आप में थोड़ी बहुत चमत्कारिकता दिखी कि नहीं दिखी आपको सुनने में? तो आजकल तानों में बहुत अच्छा गमक का यूज हो रहा है। अब आजकल के आर्टिस्ट देखिए आप गमक का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। तो आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ आ रही होगी ये चीज। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये है क्या, How to beautify a music? क्यों एक सुंदरता लानी है हमको? अलाप करते तो अलाप में सुंदरता कैसे लाएं? उसमें भी गमक होती है, उसमें कर्ण सुर होता है, उसमें मेंड का प्रयोग होता है, अभी करके बताऊंगा आपको। पहले मैं पांचों डिस्कस कर लूं फिर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? तो ये मेरे गमक तीसरा टॉपिक।
ओके। चौथा मेरा आ जाता है कौन सा, हट का। ध्यान से सुनिएगा, स्वर पर धक्का लगाने की क्रिया को खटका कहते हैं। अभी करके बताता हूं, स्वर पर धक्का लगाना किसको कहते हैं, यमन का आलाप देख रहे हैं, उसमें खटका बता रहा हूं। खटका क्या है, ये खटका होता है, ये भी एक आभूषण है। अब एक तो मैं सीधा यूं चालू कर रहा हूं, ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, दूसरे वाला लगा ना, ऑनेस्टली बताओ। एक दो स्वरों को गुच्छे में झटके लगाकर गाना, परंतु सुर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपन को ब्यूटिफिकेशन भी रखनी है, एट द सेम टाइम सुरीला भी रहना है। इसी को तो कहते हैं संतुलन। सौंदर्य शास्त्र पढ़ाऊंगा, उसमें एक नियम है, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। या फिर आप एक राग खमाज ले लो, सा ग म प आ प्रयोग होता है खटका। खटके को इंग्लिश में क्या कहा मैंने, नॉक, नॉक नॉक करते हैं ना जैसे हम, ऐसे नॉक करना है स्वरों को, दो तीन स्वरों को गुच्छे में एक साथ नॉक करना है। सो दिस विल एड अ ब्यूटी टू योर सिंगिंग, क्लियर हो रहा है। तो ये मेरा खटका होता है। पांचवा, मुर्गी। इसका तो नाम आपने सुना होगा, परंतु इसकी डेफिनेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये आप जान के हैरान हो जाओगे होता क्या है। एक तो होती है तान, एक होता है मुर्गी, दोनों में फर्क समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो लिखा गया पहले डेफिनेशन क्या कहती है, ये जो भी आपको मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ये कम से कम 7 से 8 किताबों से पढ़ के लिखता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि भाई बस जो मेरे को लगा बस लिख दिया एक किताब से लिख के, नहीं, पूरी रिसर्च करता हूँ। जो 7-8 किताबें कॉमन चीजें जो सब में लिखी है वो आपको मैं लिख के देता हूँ, ऑथेंटिक एकदम आसान भाषा में। तो आपसे निवेदन है प्लीज इसको नोट किए करा करेंगे, किया कीजिए, रोहित कटारिया म्यूजिक एकेडमी पे जाके मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह भी एक प्रकार का कण है भाई, मुर्गी पे आ गया मैं, मुर्गी क्या होती है, ये एक प्रकार का क्या है, कण। इनमें तीन स्वरों को द्रुत प्रयोग द्वारा अर्धवृत्ति बनाकर अर्धवृत्ति बनाते हैं। अर्धवृत्ति किसको कहते हैं, सेमी सर्कल। भाई एक पूरा सर्कल होता है, आधा टुकड़ा कर दो तो सेमी हो जाता है ना, तो क्या लिख रहा हूं मैं, यह भी एक प्रकार का कण है। इसमें तीन स्वरों के द्रुत प्रयोग द्वारा अर्धवृत्ति बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको मैं एक क्या करूंगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं, मुर्गी होती क्या है प्रैक्टिकली वो देखेंगे अपन बाद में, उसका नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको रियाज बताऊंगा कि मुर्गी के लिए क्या रियाज करें, कर्ण स्वर के लिए क्या रियाज करें, गमक के लिए क्या रियाज करें, ये जो अलंकार गा के बताएंगे सारे लिख के दूंगा मैं आपको। अब मैं किस पे आ रहा हूँ, मुर्गी पे, बहुत ध्यान से समझेगा। एक गाना सुना होगा आपने, आज इबादत, उसके थ्रू मैं आपको मुर्गी समझाता हूँ। बाजीराव मस्तानी में गाना आया था आज इबादत, आज इबादत रोबरो गई। अभी तक कोई मुर्गी नहीं हुई, अब सुनिएगा, जो मांगी थी, अभी क्या थी, स्वरों का एक सेमी सर्कुलर, एक द्रुत प्रयोग कर रहा हूं मैं, तीन स्वरों का द्रुत प्रयोग, द्रुत मीन्स पास्ट, दैट इज मुर्गी।
और मुर्की आगे आधार बनेगा तानों का। तान क्या है अभी वो नहीं बता रहा, लेकिन मुर्कियों के थ्रू ही मेरा बेस बनता है तानों का। देखिए, जो मांगी थी, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगो, ये मुर्की है, गुफ्तगो गो कही। अब ये तान है, लेकिन छोटी छोटी मुर्गियों से तो तान बन रही है। छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो छोटी छोटी मुर्गियां, ये मुर्गियां डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये भी एक तरीके का है, तो कड़ी ना, एक स्वर पे दूसरे स्वर का लगाव ले रहा हूं मैं। कण मैंने क्या बताया था, ग्रीस नोट, दूसरे स्वर का स्पर्श करना। यहाँ पे दो स्वरों का अगर मैं स्पर्श कर रहा हूं वो मेरी मुर्की बन रही है, और मुर्कियों को जोड़ दूं तो तान बन जाती है मेरी। बहुत ध्यान से सुनेगा, आज बादत रो बरो हो गए, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगो गुफ्तगो हो गए। मेरे मौला, फिर मेरा गाना चलेगा। ये मेरी होती है मुर्गी। अब आपको ये सारे एलिमेंट्स एक अलाप के थ्रू और करके बताता हूँ। एक आपने गाना सुना होगा अजनाए बालमा, शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक है, रफी साहब और सुमन कल्याण गुंडे गया है। उसमें देखिए आप कितना शानदार ये जो आभूषण है संगीत के, वो प्रयोग है। आलाप सुनिएगा। राग सिंध भैरवी। अब ये क्या किया, शुरुआत में ही मुर्की है मेरी। एक आलाप जो मैं गा रहा हूं वो सुंदर क्यों लग रहा है, आभूषण के कारण। आज का जो टॉपिक है, देखो मेंट भी आ गई, मुर्की। अब देखो कंठ स्वर का प्रयोग, का भी प्रयोग देखो। अब गमक का प्रयोग देखो, मेंढा गई। चारों एलिमेंट आपको आलाप में दिखा दिए मैंने, वापस सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कहां कहां पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें। बस खटका नहीं है, लेकिन खटका भी अगर मैं जोड़ू मुर्की खटका, मुर्की और खटके में ज्यादा फर्क नहीं है, आप नोट करना। अगर धक्के लगाता हुआ आ रहा हूं वो मेरा खटका हो रहा है, लेकिन मुर्की में क्या हो रहा है, कण ले रहा हूं दो तीन स्वर का द्रुत प्रयोग में, लेकिन खटके में उसको झटका दे रहा हूं खटके में, मुर्की में झटका नहीं है। ये थिन लाइन गैप पकड़ना है अपन को, दिमाग में होनी चाहिए इन चीजें। अब देखो कर्ण सुर, गमक सावन देता जाए हरे, मीट देखो मीट, हरे राम सावन देता जाए,
आज हुन आए बाल मां। और क्या देख रहे हो आप, सावन बेता जाए हरे राम, सावन बेता जाए। आपने गाना सुना हुआ मधुबन में राधिका, उसमें देख लो सारे सारा हमीर सा नि ध प म प ध प ग म र सा मुर्गी मेंढ। अब सुनो मधुबन में राधिका ना, अब निधा धैवत सीधा नहीं लगा रहा मैं, गामा निधा निशा निषाद का कर्ण ले रहा हूं उसमें मैं, तो ये मेरा कर्ण सुर का भी प्रयोग। अब पुराने गाने सेमी क्लासिकल गाने लो, उसमें हो ही नहीं सकता कि आभूषणों का यूज ना हुआ, बिना इसके संगीत आपका नीरस है। इसलिए अगला जो लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें मैं आपसे रियाज शेयर करूंगा, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। अगर आप रियाज नहीं करोगे तो साथ साथ नहीं चल पाओगे। और जो मेरा जो लक्ष्य है कि शास्त्रीय संगीत को घर घर तक पहुंचाऊं, उसमें भी मैं असफल हो जाऊंगा अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा। ओके, तो आप सबको मेरे को इस चीज में सहयोग करना है। एक और आपको मैं आलाप लेके बताता हूँ राग के तार में, देखो मेरे मुश्किल खुशा। अब देखो ये मेंड है, राग केदार की ब्यूटी है, राग केदार की जान है मेंड। मेरे मुश्किल खुशा पामा पा फरियाद। अभी देखो कर्ण सुर आ गया, निदासा फरियाद निदासा, मैं ये थोड़ा ले रहा हूँ फरियाद सीधा थोड़ा का फरियाद, धैवत पे धैवत को नी पे छूता हुआ सा पे जा रहा हूँ। फरियाद है फरियाद द पाद पामा प्यारा हूँ, मेड लेता हुआ आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। आप देखो मुर्गियां बर्बाद है, बेकस पे करम कीजिए। कोई भी गाना उठाओ केदार का, हमको मन की शर्त हमको मन, अब हमको मन। अगर मैं मान लो ये सारे आभूषण हटा दूं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे लॉलीपॉप लेके जो छोटा बच्चा गाता है वैसे हो जाएगा फिर। हमको मन की शक्ति देना, क्योंकि मैं तो स्वरों का उच्चारण करूंगा फिर। मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ये क्या है भाई, तो ये चीजें इसलिए बहुत जरूरी है, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो इसी में और गाना देखो, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदन के कृष्ण का मंदिर दिखाई दे। अब ये ते निधमा निधमा माँ पे दो सुर के कर्ण लग रहे तेरे, बोले तो बांसुरी कही हर वक्त। रफी साहब नहीं महेंद्र कपूर साहब, हर वक्त मुझे चा हर वक्त तेरे हुस्न का होता है शबाब, हर वक्त मुझे चाहिए अंदाज़े बयां। ये सारे आभूषणों का प्रयोग, किसी की याद में दुनिया। अब रफी साहब सबसे बढ़िया यूज करते थे मींड का,
कर्ण स्वर का, सुनना बहुत ध्यान से कितना ब्यूटिफिकेशन करके मैंने गाया है। ये राग केदार पे आधारित सॉन्ग है, ये जो जितने भी मैं अभी गाया लास्ट दो तीन सॉन्ग गाए राग केदार, बहुत डिटेल में कराऊंगा मैं सारे आपको रागे और गीत, बॉलीवुड दोनों पे बराबर फोकस रहेगा मेरा। सा मा मा पा मा रे सा, देखो किसी की याद में, अब इसको मैं अगर ये हटा दूं किसी की याद में, अच्छा नहीं लग रहा ना, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए, अभी देखो भुलाए हुए, छोटी छोटी मुर्गियां देखो समझ आ रही है, भुलाए हुए, स्लो में सुनो, भुलाए हुए हुए किसी की गामन थपा धपा पा पे धैवत का कण आ रहा है, मुर्गियां भी आ रही हैं, मेंड भी आ रही है और हल्का सा आपका गमक भी दिख रहा है, किसी किसी की याद में, अब देखो दुनिया मा 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 दोनों मध्यम, दुनिया को है बुलाए हुए किसी की याद में, दुनिया को है दुनिया धानी धपा मेंड की तरह आ रहा हूं, दुनिया को है भुलाए हुए जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए किसी की याद। ये अब देखो आप, मैं छोटा ख्याल आपको सुनाता हूँ, उसमें देखो इन आभूषणों का कितना अच्छा यूज है, देखो राग अहिल्या बिलावल ले लेते हैं अपन मध्य लय है ना, देखो ये मध्य लय बीच की लय, सो मीरन कर भज राम, अभी देखो राम और सो सो पगा ग सीधा नहीं लगा रहा, पगा नी धा पा, देखो सो मीरन कर भज राम नाम को, सो मीरन कर भज राम को नाम को, जो कछु किसी मुर्गियों का यूज देखो आप, इसी से तो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, ये चीज हटा दूं तो क्या बन जाएगा, क्या हालत होगी ख्याल की, सुनो सो वीरन कर भज राम नाम को, सो वीरन कर भज ना कण ना मुर्गी, निरस्ता आ गई या नहीं आ गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सो मीरन कर भज राम नाम को, सो मीरन कर भज राम नाम को, जो कछु भला होवे तेरा बांदे, सोमीरन कर भज सोमीरन कर भज सोमीरन कर भज राम, अब राम मेंड की तरह। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, आई होप आई एम क्लियर, मैंने आपको क्या बताया मेंड अर्थात
एक लेयर बना के स्वरों पे आना, जिसको कहते हैं स्वर। मैंने आपको बताया कण, अर्थात दूसरे स्वरों का स्पर्श करना, उसको टच करना, उसको क्या कहता हूँ, ग्रीस नोट। आपको बता दिया गमक, अर्थात स्वरों का गंभीरता पूर्ण उच्चारण को हम गमक कह देते हैं। फिर मैंने बताया खटका, अर्थात स्वरों पर धक्का देकर गाना। फिर मैंने आपको बताया मुर्की, कण का ही एक्सटेंडेड रूप। दो स्वर को अगर मैं साथ में जोड़ दूं या तीन स्वर को द्रुत लय में गा दूं तो मेरी वो मुर्गी बन जाती है, और मुर्गी का आधार है आगे तान का। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रोहित कटारिया। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसका रियाज का मैं करूंगा, ये पांचों का रियाज कैसे करें वो सारा मैं आपको मैटर लिख के भी दूंगा, गा के भी बताऊंगा, अप्लाई आपको करना है।